कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट इम्प्रूव कर रहा है, लोग रिकवर कर रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी यही देखा था कि एक और इशू जो आ जाता है वो है पोस्ट कोविड सीक्वले का, और इस पर अब काफ़ी हद तक डिटेल्स भी आ गई हैं जो हमें पहले नहीं पता था। पहली वेव में हम कई लोग समझ नहीं पाए थे कि कोविड के बाद भी कई लक्षण ऐसे हैं जो रहते हैं, और अब इसके लिए काफ़ी हद तक लोगों ने इसका पीरियड भी डिफाइन किया है कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो 4 से 12 हफ्ते रहें तो इसको हम ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड या पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के बाद भी 12 हफ्ते तक काफ़ी लक्षण रह सकते हैं और उनको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। उनमें कॉमन सिम्टम्स तो हम यही जानते हैं कि कई लोग हैं जो रिकवर हो जाते हैं लेकिन कहते हैं कि सांस की तकलीफ अभी भी है, लंग फंक्शन उनके नॉर्मल है, लंग की कैपेसिटी भी ठीक आती है, लेकिन वो थोड़ा भी चलते हैं तो उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पाते, चेस्ट में टाइटनेस रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको खांसी कब रहती है, हफ्तों भर खांसी रहती है कोविड के बाद, और कई छाती में दर्द या घबराहट या कहते हैं पल्स ज़्यादा रहने के लक्षण रहते हैं। ये सब लक्षण जो हैं ये पोस्ट कोविड या कोविड इन्फेक्शन के बाद भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके कारण रह सकते हैं। एक कॉमन सिम्टम सिंड्रोम जो है वो भी कॉमन है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये भी कई लोगों में है जिसमें थकावट, फटीग, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सोजिश लगना, सुबह उठ नहीं पाना या सिर में दर्द रहना, कई हफ्ते ये रह सकता है, जिसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक और सिम्टम है जिसका नाम जनरल सोशल मीडिया में ब्रेन फॉग दिया गया है, जिससे जो कोविड से लोग रिकवर कर जाते हैं कभी कभी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, काम करने में उनको दिक्कत होती है कई हफ्तों तक, और कई दफ़ा इंसोमनिया होता है कि सो नहीं पाते या डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसके लिए रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है, और जैसे हमारा रिकवरी रेट ज़्यादा होगा, केसेस ज़्यादा रिकवर करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि मेडिकल कम्युनिटी, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि मल्टीडिसिप्लिनरी पोस्ट कोविड क्लिनिक्स को डेवलप करें जहाँ पे रिहैबिलिटेशन हो। एक जो हमने लास्ट टाइम पाया था कि अगर हम लोगों को योगा कराएं तो उससे जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आती है, और एक्सरसाइजेज करने से लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग इज़ देयर। तो मैं यही स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट बढ़ेगा तो हमारे पोस्ट कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ना शुरू होंगे, एंड वी शुड प्रिपेयर सो दैट वी आर एबल टू मैनेज देम। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू बिजनेस स्टैंडर्ड। फॉर मोर न्यूज, व्यूज एंड इनसाइट्स, लॉग ऑन टू www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, and LinkedIn.